मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है, और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से एक दो साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। आरबीआई को मैं कार्यक्रम में अभी गया, 90 साल गांव का कहा, तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए, और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है, दूसरा है 2024। 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूँ कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है, और इसलिए मेरा तो मत है कि उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं। प्रतिस्पर्धा भी जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। चुनाव का ये माहौल अगर हम उत्सव में पलट दें, लोकोत्सव बना दें, तो हमारी रगों में, डेमोक्रेसी आने वाली पीढ़ियों के रगों में वो संस्कार बन जाती है। और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र ये सिर्फ संविधान की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए, हमारी रगों में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए। और उस अर्थ में मैं 2024 को देखता हूँ। ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन, और उसमें मैंने बहुत काम किया है, और ये आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। शायद मैं जब गुजरात में था तब भी इन दिशा में सोचता था। अब देखिए, 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ, 5-6 दशक का काम, और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियाँ होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा, और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें,
हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम करेगी। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, हाँ यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जिसके बारे में पूछना चाहूँगी। एक तो वो जब RBI में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं, तो मैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करूँ। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया,
कि मैं पिछले दो साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसके काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए दो ढाई ढाई घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं अंदाज मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित गए, एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके। मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है क्या हो सकता है क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सब नहीं, नहीं पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके। ये काम देश का है जी। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे तीन हिस्सों में काम करना है। एक बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं, दूसरा ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें, उसको मैं तीन हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन टाइम टेबल बना लिया, अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया, 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी पहले 100 दिन में किया, UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया, बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था हमने 100 दिन में गए। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना वो हैफाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी आपने